पंजाब असेंबली का इजलास 16 मई तक मुलतवी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने इजलास मुलतवी किया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आज पेश होना थी। पीटीआई ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। इजलास के लिए हुकूमत और अपोजिशन की भरपूर तैयारियां की गई थीं। पंजाब असेंबली के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन असेंबली का अहम फैसला। नुमान लंगड़ियाल का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में वोट कास्ट नहीं करेंगे। अदम एतमाद लाने वालों को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ 186 वोट साबित करना होंगे। और बाजार से सवालिया पेपर खरीदने वालों के गिर्द घेरा तंग। आइटम बैंक सिस्टम से पंजाब भर के लिए 5,30,000 पर्चे बनाए गए। लाहौर के स्कूल्स में 16,000 सवालिया पर्चे निकाले गए। मार्केट से बने बनाए पेपर्स खरीदने पर मुतालिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पैक हुकाम।